तो गाइस जो इसमें एक्सेसरीज मैंने आपको दिखाई वो भी इंस्टॉलेशन चालू कर सकते हो। वाइजर भी इसमें इंस्टॉल करा जा रहा है, साथ में इसमें टायर हैगर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो छोटी मोटी एक्सेसरीज में और थी, इसे कर लेता हूँ फाइनल और फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। तक गाइस इस वाली TVS Raider में मॉडिफिकेशन कंप्लीट होती है, जब तक मैं आपको एक और TVS Raider दिखाता हूँ, वो भी ब्लैक और रेड है और इसमें इंस्टॉल किए हैं ब्लैक और रेड हैंड गार्ड जो कि विदाउट LED लाइट वाले हैं, यानी कि सिंपल सोवर है। बट ऐसा लगता नहीं है कि ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया, ऐसा लगता है कंपनी फिटेड है। और इसमें इंस्टॉल किया है एक वाइजर और उस वाइजर को किया है रैप, वो भी मैट ब्लैक में, तो इसको भी एक बार देख लो। तो कैसे आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है TVS Raider 125 और इसमें जो काम किए गए हैं वो किए गए काफ़ी यूज़फुल, जो कि आपको शोरूम से बाइक लेने के बाद सबसे पहले करा लेना चाहिए। इसमें किए गए सिर्फ तीन काम किए गए इसमें। फर्स्ट किया गया वाइजर, हैंड गार्ड और लेमिनेशन। शुरू करते हैं गाइस वाइजर से। और ये वाला जो वाइजर है गाइस, ये था प्लेन यानी कि ट्रांसपेरेंट था और इसको क्या है मैट कलर में यानी कि ब्लैक मैट में रैप कर दिया गया, जिसका लुक आप देख सकते हो दूर से कुछ इस तरीके से आता है। और साथ ही में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे हैंड गार्ड जो कि ब्लैक और रेड के साथ में है। इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं की गई है, ये कंपनी फिटेड है ऐसा लग रहा है लुक। इसमें फिटिंग इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा लगेगा कि ये कंपनी फिटेड है, क्योंकि जो ब्लैक और रेड का आपका रेडर है उसी ब्लैक और रेड के कॉन्सेप्ट पे इसको लिया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हो, अदरवाइज जितने भी हमने वाइजर इंस्टॉल किए थे वो किए थे लाइट वाले, ये है विदाउट लाइट, सिंपल बट यूनिक। जिन लोगों को लाइट वाले नहीं लगवाने हैं तो वो इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं और ये यूनिवर्सल है, किसी भी बाइक पर आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि रेडर के लिए ये, बट रेड और ब्लैक कलर के ना इस पर एक ही नंबर के लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी लेमिनेशन की और लास्ट में बताऊंगा आपको प्राइस। बात कर लेते हैं लेमिनेशन की। लेमिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पर जो की गई है, ये गाइस ओरिजिनल है PPF वाली, जिसमें आपको 1 ईयर की गारंटी मिल जाती है। अदरवाइज इसमें जो लोकल लेमिनेशन भी होती है 400-500 की रहती है, बट उसमें क्या होता है कि वो बहुत जल्दी हट जाती है, अगर आप एक बार वॉश कराते हो तो वो निकल जाती है या आपके घर जाने से पहले पहले ही वो कोने कोने इसके छोटे लगते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हो इसमें दूर से देखिए आपको लग नहीं रहा होगा कि यार यहाँ पर लेमिनेशन कर रखी है। और ये लेमिनेशन में क्या है कि ये प्रॉपर कह रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला पार्ट भी लिया जाता है और ये वाला पार्ट भी लिया जाता है और साथ ही में आपका ये मडगार्ड लिया जाता है। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, इसको जो ये वाला पार्ट्स है इसको भी जो है लेमिनेट किया गया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टैंक कर देते हैं, आगे का मडगार्ड कर देते हैं, दैट्स इट, कहते हैं हो गए फुल लेमिनेशन। बट इसमें क्या है, जहाँ जहाँ पॉसिबल थी वहाँ लेमिनेशन कर दी है। और गाइस लेमिनेशन में अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो 1500 रुपये की होती है ओरिजिनल PPF, अदरवाइज मैं आपको बता चुका हूँ कि लोकल आप कराते हो तो 400-500 की हो जाती है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाले हैंडगार्ड का प्राइस है 350 रुपये में आपको ये वाला हैंडगार्ड मिल जाएगा गाइस, जो कि बहुत यूनिक सा लुक मिल जाता है। कलर आप कोई भी ले सकते हो, अगर आप ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर यूज़ करते हो तो आपको 200 के करीब मिल जाएगा, और अदरवाइज अगर इस पर रैपिंग वगैरह कराते हो तो वही आपका 350 का हो जाता है। इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन पसंद करते हो, बट ये वाला 350 का है। तो ये तो हुई आज की मॉडिफिकेशन और इसके प्राइस। अदरवाइज इसके अलावा काफ़ी सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी TVS Raider से रिकॉर्डिंग, जिसमें आपको बहुत सारी मॉडिफिकेशन की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार चेकआउट कर लेना गाइस। इस रेडर के अलावा एक रेडर और मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी ब्लैक और रेड है और इसमें जो मॉडिफिकेशन की है वो काफ़ी मॉडिफिकेशन यूनिक है, जो कि आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। इसमें इंस्टॉल किया है सीट कवर, जो कि सीट कवर बिल्कुल मैच किया गया है बाइक के कलर से। साथ ही में इसमें इंस्टॉल किया वही सेम हैंड गार्ड जो आपने देखे ब्लैक और रेड वाले। उसके अलावा इसमें एक चीज़ इंस्टॉल की गई, वो किए गए हैं हॉर्न, जो कि मर्सिडीज स्टाइल वाले हैं, तो एक बार इसको भी देख लो। TVS Raider जिसमें कुछ अलग अलग तरीके के काम किए गए हैं, यहाँ ये रेड और ब्लैक का कॉन्सेप्ट लिया गया है, जो कि बाइक का कलर है। सबसे जिन लोगों को लाइट वगैरह चीज़ें नहीं चाहिए होती है, सिंपल सोवर चाहिए होता है, तो कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये हैंड गार्ड है और ऐसा लगता नहीं कि आफ्टर मार्केट आपने इंस्टॉल किया, ऐसा लगता है कंपनी फिटेड इंस्टॉलेशन के बाद लुक इसका आता है, आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें गाइस सीट कवर भी इंस्टॉल कर रहे हैं और सीट का जो कवर लिया जाएगा वो भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिया जाएगा। अभी आपने जो हैंड गार्ड देखे थे वो देखे थे आपने ब्लैक और रेड, बाइक भी आपको पता है ब्लैक और रेड, तो सीट भी ऑब्वियसली ब्लैक और रेड का ही होना था। इसके अलावा इसमें मर्सिडीज स्टाइल वाले हॉर्न इंस्टॉल किए गए हैं, आप देख सकते हो। और साउंड जो है इसका मैं आपको सुनाऊं एक बार दोबारा से। अदरवाइज इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन, काफ़ी सारे और भी तरीके के हॉर्न आते हैं, लाइक रूट्स के भी हॉर्न आते हैं, तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज जो आज इंस्टॉल किए गए हैं वो ये वाले इंस्टॉल किए गए हैं गाइस। तो ये तो कुछ मॉडिफिकेशन, अब दिखाता हूँ मैं आपको सीट का डिज़ाइन कि सीट कौन सी जो है इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। सीट कवर लग चुका है आप देख सकते हो, जो बहुत ही बेहतरीन सा, इसमें कार्बन फाइबर के साथ आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, प्लस साइड में ब्लैक और यहाँ पीछे की साइड में आपको रेड देखने को मिल जाता है। और गाइस ये वाली सीट है बैक सीट, ये आप देख सकते हो, जो कि फिनिशिंग एक नंबर की है और जो लुक आया ना वो भी परफेक्ट आया, मतलब ये पूरा मैच हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट था ना वो कंप्लीट हो चुका है। ये सीट आप देख सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन आप करवा सकते हो, कंफर्टेबल भी करा सकते हो, अगर कोई लॉन्ग टूरिंग वगैरह करता है तो वो भी करा सकता है। अदरवाइज़ ये जो है ये सिंपल सोवर है, यूनिक सा सिंपल सा बट कुछ अटके कुछ अलग, और इसको कर रहे हैं इंस्टॉल, ये देख सकते हो आप। तो ये तो गाइस इंस्टॉलेशन के बाद जो लुक आया है वो कुछ इस तरीके का आया, ये देख सकते हो भाई साहब, बहुत ही सिंपल सोवर, बिल्कुल
बिल्कुल मैच किया गया है। देखो कंपनी फिटेड काम कर सकते हो, ये देखो हैंड गार्ड का भी लुक देख सकते हो, हॉर्न भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, साथ में सीट भी कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हो। गाइस रेडर और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है येलो और ब्लैक वाली, और इसमें बहुत ही सिंपल सोवर मॉडिफिकेशन की गई है। इसमें इंस्टॉल किया है एक वाइजर जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो नॉर्मली गाइस वाइजर लगे होते हैं उन पर रैपिंग की होती है, ये सिंपल सोवर है, ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा एक टायर है इंस्टॉल किया, एक बार इसको भी देख लेते हैं। गाइस जो येलो और ब्लैक वाली अपनी रेडर थी उसमें इंस्टॉल किया है सिंपल सोवर वाइजर, इसमें कोई रैपिंग नहीं की, ना इसको मैट ब्लैक किया है ना इसको जो है वाइट किया है, जैसा आता है वैसा ही इसमें इंस्टॉल किया है, जस्ट प्लग एंड प्ले, कोई अल्ट्रेशन नहीं है, और आपका नंबर प्लेट भी इस पर ईजिली इंस्टॉल हो जाता है। लुक इसका कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये आप देख सकते हो दूर से। और एक इसमें बहुत ज़रूरत के हिसाब से चीज़ इंस्टॉल की गई है, जो कि आपने हमारी काफ़ी टीवीएस रेडर में देखी थी, टायर हगर, और ये बड़ा यूनिक सा सिंपल सोवर टायर हगर है, ये आप देख सकते हो गाइस, क्योंकि आप देख सकते हो मिट्टी वगैरह कितनी है, क्या है ये सब चीज़ों की आपको टेंशन नहीं रहेगी। ये देखो, ये देखो मिट्टी वगैरह कितनी भरी रखी है, तो अगर टायर हगर लगवा लेते हो ना तो मिट्टी की प्रॉब्लम खत्म। और इस वाले टायर हगर का जो है यूज़ वो इसीलिए किया जाता है, लुक भी आती है प्लस सेफ्टी भी रहती है। अब दिखाता हूँ आपको रेड वाली टीवीएस रेडर 125, आपको दिखाएंगे फाइनल रेडर जो कि ब्लैक और रेड वाली थी, जिसमें हमने आपको टीवीएस रेडर के हैंडल लाइट वाले जो दिखाए थे, इसमें हमने आपको हैंडल लाइट दिखाई थी, एंटॉर्क की दिखाई थी, तो उस वाली को भी एक बार देख लेते हैं फाइनल, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। प्राइसिंग वगैरह के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं, तो गाइस देखो हर चीज़ के अलग अलग प्राइस होते हैं, और एक प्राइस की चीज़ और एक आइटम की 50 तरीके की जिसमें डिज़ाइन होते हैं, 50 तरीके की उसमें चीज़ होती है, तो सबका रेट बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप उस चीज़ का पर्टिकुलर को आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अगर दिल्ली के रहने वाले हो तो करोलबाग नए वाला मार्केट में आप आ सकते हो इजिली, और नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये लो गाइज अपनी रेडर कंप्लीट हो चुकी है, तो ये तो गाइज इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट। इसमें जो वाइज़र इंस्टॉल किया था उस वाइज़र पे एक हल्की सी ब्रांडिंग की गई है, रैपिंग की गई है रेड की, इस तरफ से भी आप देख सकते हो और इस तरफ से भी देख सकते हो, और यहाँ लगा दिया है टी का, ये देख सकते हो गाइज, क्योंकि यहाँ पर ना एक होल था जो कि कंपनी फिटेड यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग था, तो उस हिसाब से उस पर कवर करने के लिए यहाँ टीका लगा दिया, जो एक लुक भी इन्हांस कर रहा है, ये आप देख सकते हो। और ये जो मॉडिफिकेशन है सिंपल सोवर है, इससे पहले भी जो मैंने आपको दिखाई थी वो भी मॉडिफिकेशन थी, बट ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप किस तरीके की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो। इग्निशन करते हैं ऑन और आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हो गाइस इसमें हजार सिस्टम भी इंस्टॉल किया है जिसमें वो काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं, और इंडिकेटर के अंदर LED बल्ब इंस्टॉल किए हैं, ये देख सकते हो, जिसके पैटर्न चेंज करने के लिए यहाँ पर एक स्विच इंस्टॉल किया, जितनी बार आप इसको ऑन ऑफ करोगे उतनी बार इसके पैटर्न चेंज हो जाएंगे, ये देख सकते हो लुक गाइस। क्योंकि जो हेलोजन के ना ब्राइटनेस नहीं होती, उसका फोकस नहीं होता, उसकी जो बिलिंग करने की टाइमिंग होती है वो होती है कम, और ये टीवीएस रेडर के जो लिखे हुए जो प्रिंटेड आप देख सकते हो, और गाइस ये टीवीएस रेडर के प्रिंटेड हैं, ये देख सकते हो, जो कि आपके वीडियो हमने शुरू में दिखाया था, इस तरफ से आपको टीवीएस देखने को मिल जाता है, और इस तरफ ये टीवीएस रेडर के येलो और वाइट का जो है आपको देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर पे जो है येलो है, अदरवाइज वैसे वाइट है, और अभी तक किसी ने भी इस तरीके की मॉडिफिकेशन नहीं की होगी, ये सिंपल सोवर है, और ये ऐसा लगेगा नहीं कि ओवर है, यूज़फुल मॉडिफिकेशन है ये। लेमिनेशन इसमें हो चुकी थी पहले ही, तो लेमिनेशन का भी काम किया गया। टायर हगर मैं आपको दिखाता हूँ टायर हगर में क्या होता है, ये दोस्तों कितनी मिट्टी वगैरह आ गई है देखो यहाँ पर, उस केस में यूज़फुल है ये टायर हगर, जो कि इस तरीके का लुक देता है इंस्टॉलेशन के बाद, ये देख सकते हो इसमें रिफ्लेक्टर्स हैं, अगर पीछे से राइडर कोई इस पर लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि पता चलेगा कि आपके आगे कोई व्हीकल चल रहा है, और काफ़ी हैवी क्वालिटी का जो कि आपके शुरू में दिखाई दिया था गाइस, आप देख सकते हो फुल्ली मेटल में है, और इसमें दो आयरन की रॉड के साथ यहाँ पर क्लैंप से इंस्टॉल कर दिया गया, तो ये भी इंस्टॉलेशन थी। बाकी इंडिकेटर के अंदर जो बल्ब है LED पीछे भी इंस्टॉल किए गए हैं, ये देख सकते हो पीछे से काफ़ी ब्राइटनेस है, ये देखो गाइस, और वाइजर के काफ़ी सारे डिज़ाइन है, और रेडर की बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, चेकआउट कर लेना, चाहे वो इसके कलरफुल DRL हो या फिर हैंड गार्ड हो, बहुत सारी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो वो भी चेकआउट कर लेना गाइस। गाइस ये थी कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज TVS रेडर्स की, और TVS रेडर्स के जो लवर्स हैं मॉडिफिकेशन के, उनके लिए मैं नई नई वीडियो लाता रहता हूँ, और काफ़ी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाली है, तो हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, SKD बाइक वर्ल्ड को और इंडियन थ्रॉटल को। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा, मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।